करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है विश्व का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर। तो बेसिकली इस कंप्यूटर को, विश्व का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर को चीन ने बनाया है, और इससे पहले पहला प्रयास जो किया गया था वो गूगल द्वारा किया गया था। तो हम लोग देखेंगे कि गूगल द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया था, और ये जो चाइना ने बनाया है, चीन ने जो बनाया है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही इसका छोटा सा एनिमेशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग विश्व का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर। तो चीनी वैज्ञानिकों द्वारा, मतलब चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किया गया है, और जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जो अभी वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसकी तुलना में कम से कम एक कार्ज को, कोई भी एक कार्ज, एक कार्ज किया जाएगा तो उसको 100 ट्रिलियन गुना अधिक तेजी से करने कर सकता है, अर्थात उस प्रकार की गणना करने में वो सक्षम है। अर्थात 100 ट्रिलियन को यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो 1000 खरब गुना, यानी जो ये क्वांटम कंप्यूटर करेगा वो जो सुपर कंप्यूटर कर रहा था, ये जो वर्तमान में मौजूद सुपर कंप्यूटर है, उससे 1000 खरब गुना तेजी से काम करने में सक्षम है ये क्वांटम कंप्यूटर। तो दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि गूगल ने 2019 में क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था, और उसने कहा था कि उसने क्वांटम सुप्रीमेसी को प्राप्त कर लिया है, अर्थात क्वांटम वर्चस्व, अगर इसको हिंदी में हम लोग बोले, इसको इंग्लिश में क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है, को प्राप्त करने के लिए एक पहली मशीन का निर्माण किया था जो क्वांटम गणना में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटरों को पीछे करने वाला पहला कदम था, कि जो भी अभी सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में उससे वो काफी आगे था। लेकिन अगर हम चाइना का देखें तो ये जो चीन का है, जिस कंप्यूटर का नाम है, क्वांटम कंप्यूटर का नाम है ज्यूसांग, ज्यूसांग, ये चाइनीज कंप्यूटर है, इसका नाम है ज्यूसांग। तो देखेंगे कि ज्यूसांग की क्या खामियां है, खूबियां है, और ये जो है आपको गूगल के क्वांटम कंप्यूटर से कितना गुना अधिक तेज है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि ये क्वांटम कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। लेकिन इस सब से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कई बार आप लोगों से अपील कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग इसको देख भी रहे हो, इसको हो सकता है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लेकिन ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे डिफिनेशन, जैसे कि क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बाद छोटे छोटे डिफिनेशन जो होते हैं वो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे, वो इस वीडियो के बाद, चूंकि 45 वीडियो का एक सीरीज मैंने बनाया है 2021 के पीटी के लिए, और ये विशेषता यूपीएससी को ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन ये हर प्रकार के कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें। हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन आप एकदम कंफर्म हो जाएं, अगर आप लोगों में से बहुत से लोग मुखर्जी नगर जो दिल्ली में कोचिंग का हब है वहां गए होंगे, वहां देखे होंगे, तो वहां कितने ठग कोचिंग वाले रहते हैं, आपसे 1 लाख रुपया ले लेंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका 10% भी नहीं पढ़ा है, ये आप हमेशा याद रखिए। और जो हमारे तरह से टीचर है उनको भी वो पूरा पैसा नहीं देते, इसीलिए ये जो काला बाजारी का धंधा है जिसमें विद्यार्थी को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, उसको हमने ये दूर करने के लिए ये चैनल चलाया है। अगर आप इसमें हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करें, और सिर्फ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर ज्यूसांग है क्या इसके बाद। तो बेसिकली ये मुख्य रूप से जो चीन का यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना एट हाइफी, हाइफी में स्थित है, चीनी टीम ने इस क्वांटम कंप्यूटर को विकसित। तो इस चीनी कंप्यूटर जिसका नाम वैज्ञानिकों ने
ज्यूजांग रखा है गोगुल की तुलना में 10 अरब गुना ज्यादा तेज है। अब ये समझिए कि ये जो गूगल का कंप्यूटर है उससे 10 बिलियन टाइम्स फास्टर देता है गूगल कंप्यूटर, अर्थात उससे 10 अरब गुना ज्यादा तेज है। तो अगर हम इसको देखें तो ज्यूजांग का वर्णन, इसकी गणना की जानकारी पत्रिका साइंस में 3 दिसंबर को प्रकाशित हुई थी, अर्थात 3 दिसंबर को ये प्रकाशित हुआ। जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि ये जो भी हमारा स्लाइड बनता है आपको देखने में बहुत ही आसान लगता होगा, लेकिन इस पर काफी मेहनत लगता है। ये साइंस डेली में छपा था और साइंस डेली में हर तरह का सेक्शन होता है और अक्सर उसमें साइंस रिसर्च छपते रहते हैं, फिर नेचर साइंस होता है। तो ये सारे चीज जो है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं और ये काफी मेहनत इसको बनाने में लगता है, एक एक एनिमेशन को बनाने में काफी मेहनत लगता है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आप जानते हैं कि आप मुखर्जी नगर या कहीं जाते हैं तो फिर आप थक के चंगुल में फंस जाते हैं और आपको असली चीज नहीं पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर दोनों को दावे को माने, जैसे कि गूगल ने कहा कि उसने प्रथम क्वांटम सुप्रीमेसी शुरू कर लिया है और दूसरा जो है वो चीन का ज्यूजांग है, तो दोनों के दावे को माने तो ये दुनिया में कहीं भी अभी क्वांटम सुप्रीमेसी प्राप्त करने वाला दूसरा कंप्यूटर होगा ज्यूजांग, यानी पहला हो गया गूगल, दूसरा हो गया ज्यूजांग। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में पूछता है कि पहला कौन दूसरा कौन, इस तरह से। और कभी कभी आपको काफी ये टफ क्वेश्चन लगेगा और ये टफ क्वेश्चन आप हमारे चैनल पे आएंगे, हम आपको इजीली समझाएंगे, एनिमेशन से समझाएंगे, तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। जब आप हमारे वीडियो देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, तो आप तुरंत उसको सही से बता देंगे। तो चलिए, चीन क्वांटम नेटवर्किंग में विश्व में अग्रणी। अगर हम चीन के बारे में करें तो चीन अभी से क्वांटम नेटवर्किंग शुरू कर दिया है और वहां कुछ ऑपरेशनल कार्य भी शुरू हो चुके हैं। तो क्वांटम नेटवर्किंग पे अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीक में उस तरह का वीडियो आने वाला है इंग्लिश में, फिर उसको हम हिंदी में भी करेंगे। तो इसीलिए इन सब वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखें, तो चीन क्वांटम कंप्यूटर में भारी निवेश किया है। साथ ही देखें तो जब जीपिंग सरकार जो आई है वो देश की राष्ट्रीय प्रयोगशाला क्वांटम सूचना विज्ञान पर, यानी कि जो क्वांटम लेबोरेटरी है उस पर तकरीबन 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया। ये आप देखेंगे तो जो अमेरिका क्वांटम पे खर्च कर रहा है उससे कई गुना, इवन 10 टाइम्स ज्यादा, 10 to 13 टाइम्स के बीच में ये ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं चीन क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी महत्वता कितनी ज्यादा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं ये, तो सबसे पहले जो, जैसा कि मैंने बनाया, पहला जो चरण था वो 2019 में गूगल ने फर्स्ट मशीन बनाया था और जिसने कहा था कि हमने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर लिया है। उसके बाद चीन लगा हुआ था और फाइनली आप देखेंगे तो ये जो था, ये देखिए अब ये चीन ने अपना बनाया, तो चीन को देखिए किस तरह से बनाया। तो चाइनीज साइंटिस्ट जो हुआ वो तकरीबन, जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम ज्यूजांग रखा और ये 10 बिलियन टाइम्स फास्टर देन द गूगल कंप्यूटर, जो गूगल पहले बनाया था उससे 10 अरब गुना ज्यादा ये तेज था। उसी तरह देखेंगे तो फाइनली ये जो था इसमें बेसिकली यूज को भी कम कैसे काम करता है कोई भी क्वांटम कंप्यूटर, तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है इसके बारे में आप हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा कि मैंने बताया था इस 45 वीडियो के बाद ये शॉर्ट वीडियो हम आपको देंगे कि क्वांटम मैकेनिज्म यानी हर चीज का डिफिनेशन आपको बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से एनिमेशन द्वारा मिलेगा। तो इसीलिए इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा तक फैलाएं ताकि हम मोटिवेट हो, हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको दे पाए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, आप देखेंगे कि क्या है तो शॉर्ट में यहां देख लें। तो ये बेसिकली जो होता है,
जो हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर देखते हैं, जो पारंपरिक कंप्यूटर होता है, क्लासिकल कंप्यूटर, उसमें बेसिकली जीरो और एक उसको लिया जाता है, यानी एक तरफ जीरो होगा और एक तरफ एक होगा, जो डिजिटल कंप्यूटर जिसको हम बाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये बाइट्स क्वांटम में क्या होगा कि साइमल्टेनियसली दोनों हो जाएगा, तो ये तो कैलकुलेशन होता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जिसके जो हम लोग अभी बिट्स कहते हैं या किलोबाइट्स ये बोलते हैं, केबी, एमबी, जीबी जो हम लोग बोलते हैं, तो ये अब क्यूबिक कहलाएगा, यानी क्वांटम बाइट या क्यू बाइट्स कहेंगे। ये साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ दोनों का काज करेगी, कभी जीरो कभी वन, तो ये एक साथ कभी जीरो भी हो जाएंगे, कभी वन वन भी हो जाएंगे, कभी जीरो वन भी हो जाएंगे, तो इस तरह का काज, यानी एक ही साथ वो काम। अर्थात ये समझिए कि जो हमारा पारंपरिक कंप्यूटर है उसको अगर हम गणना करेंगे तो वो एक ही चीज में लगा होगा, और साइमल्टेनियसली ये कंप्यूटर जो होगा वो कई चीज को एक साथ कर पाएगा और एक साथ कर पाने में सक्षम होगा। तो इसको जैसे बाइट्स बोलते हैं तो इसको क्यू बाइट्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो बेसिकली ये जो क्यू बाइट्स होगा ये क्रिएटेड बाय द यूजिंग, इसको कैसे जनरेट किया जाएगा, किस तरह से उत्पन्न किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न कर सकते हैं, एटम से भी उत्पन्न कर सकते हैं, फोटोन से भी उत्पन्न कर सकते हैं, और यहां तक के मोलिकुल से भी इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम इसके बारे में भी देखेंगे कि इसके सामने बनाने में क्या कठिनाइयां हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली जुजांग जो टास्क दिया गया था, तो इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे आगे में, लुसियन बोसोन सैंपलिंग, तो लुसियन बोसोन सैंपलिंग या जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीबीएस कहा जाता है, जीबीएस कहा जाता है, इसके बारे में भी, ये जीबीएस है क्या, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब के लिए आप जरूर अपने दोस्तों को बताएं, ये ज्ञान अपने तक सीमित ना रखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो सैंपलिंग किया इन्होंने, तो अगर हम देखें तो ये जो टास्क था, ये जो इसको कार्य दिया गया था, ये कैलकुलेट जो आउटपुट होता था वो जो सर्किट है, नॉर्मल जो सर्किट होता है, तो यहाँ सर्किट क्या करता था, लाइट का यूज करता था, लाइट का यूज। ठीक है, तो ये देखिए अब हम आगे देखेंगे इसको। अब इसको जो एक्सप्रेस किया गया आउटपुट क्या निकलेगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से निकलेगा, तो उसको लिस्ट ऑफ नंबर में रिजल्ट निकलना था। तो इसके बाद जो रिजल्ट निकला वो देखिए, तो बेसिकली इसकी सफलता जो सक्सेस था उसको मेजर करने के लिए फोटोन को डिटेक्ट किया गया कि कितने फोटोन यहाँ आ रहे हैं, फोटोन को डिटेक्ट किया गया कि कितने फोटोन यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको देखें, तो यहाँ पे आप चलिए, तो अब ये जो डिटेक्ट किया गया, तो ये जुजांग जो था एक प्रैक्टिकल जो हुआ था उसमें मैक्सिमम इन्होंने 76 यानी 76 फोटोन को कैलकुलेट किया, डिटेक्ट किया, और एवरेज जो है मतलब उसके कई परीक्षण हुए, तो एवरेज जो टोटल आया वो तकरीबन 43 एवरेज इसका आया, यानी कई प्रैक्टिकल में टोटल मिला के 43 फोटोन को ये डिटेक्ट कर पाया। तो ये अब हम देखेंगे ये जो डिटेक्ट किया इसको डिटेक्ट करने में कितने समय लगे, तो ये तकरीबन आपको 200 सेकेंड लगे। तो अगर हम देखें इसको तकरीबन 200 सेकेंड इसको लगे, और फाइनली यही काम अगर चाइनीज का जो सबसे तेज फास्टेस्ट चाइनीज कंप्यूटर है जिसका नाम है हाईलाइट, जो आगे हम देखेंगे उसका नाम भी वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, तो वही कंप्यूटर को 2.5 अरब साल लगेंगे, जो ये 200 सेकंड में किया है वही गणना करने में जो सबसे तेज चाइनीज कंप्यूटर है उसको 2.5 बिलियन तो सेम देने में लगेगा। तो इसीलिए ये सोचिए कि सबसे तेज कंप्यूटर कैसे है। तो इसके साथ ही हम आगे चले, तो अभी जैसा कि मैंने बताया
ये तो बहुत ही एक फैंटेसी टाइप से लगता है, बहुत ही अच्छी बात लगती है कि चलो इतना तेज इतना फास्ट कंप्यूटर हमारे पास होगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी है सामने हमारे। तो चैलेंज के बारे में हम देखेंगे। तो देखें तो सबसे पहला जो चैलेंजेस होता है कि इसको आप जब ये उत्पन्न होता है तो ये आप देखेंगे कि फर्स्ट में ये लगभग एब्सोल्यूट जीरो के आसपास होता है क्वांटम मैकेनिज्म तैयार तक, यानी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। तो इतना कम तापमान काफी जटिल है बनाना और ये बहुत ही मुश्किल है बनाना, नंबर एक। नंबर दो अगर हम देखें इसकी इसका जो है, तो अगर हम देखें तो सबसे जरूरी चीज है दूसरा में, तो ये इसको जो भी हमारे क्वांटम मैकेनिज्म होगा उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर अर्थात वायुमंडलीय दाब और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो अर्थ का, दोनों से अलग करके रखना होगा। तो इससे इसको बचाना होगा तभी ये सही तरीके से आपका काम करेगा, वर्क कार नहीं करेगा। तो इस सब चैलेंजेस को निपटने के लिए वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। और अगर हम देखें इसके आगे तो इसमें दूसरी बात जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका, कि अभी तक चूंकि ये उस तरह से बना नहीं है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया नहीं है, तो आने के बाद क्या साइबर सिक्योरिटी, क्या इसका जो है सो प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर जब बनेगा जो व्यवहार में हम आप सभी के पास अगर इस तरह का क्वांटम कंप्यूटर आता है तो उसमें सिक्योरिटी के क्या मेजर्स होंगे, उसके सुरक्षात्मक क्या उपाय होंगे कि जिस तरह से हमारे, तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि क्या क्वांटम कंप्यूटर में किस किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय होते हैं। चाइना ने अभी क्वांटम नेटवर्क बनाया है तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जैसा कि मैंने बताया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और अच्छे वीडियो आपको बना के दे पाए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि जो हम कह रहे थे कि चीन ने काफी नेटवर्किंग किया है, तो अभी हम देखेंगे जो क्वांटम नेटवर्क है उसमें विश्व का नेतृत्व कर रहा है चीन, जहां क्वांटम टेक्नोलॉजी या इसको अब हिंदी में क्वांटम यांत्रिकता का उपयोग करके एनकोडेड डाटा को बहुत दूर तक यानी महान दूरी तक प्रसारित किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ साइंस में बताया था, लाइफ साइंस, साइंस डेली, ये सारे मैगजीन जो है काफी महत्वपूर्ण इसमें आपको मिलते हैं। लेकिन ये सारे मैगजीन को पढ़ना नॉर्मल जो आपके स्टूडेंट हैं छात्र हैं जो शोध वगैरह नहीं करते हैं उनके लिए टाइम ही नहीं मिल पाएगा उतना पढ़ने का, इसीलिए आप लोगों की मदद के लिए हमने ये चैनल बनाया है। और आप समझ लीजिए कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, ये मेरा चैनल है बल्कि आपका चैनल है, आप इसे बनाए। और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं कोचिंग माफिया से तो उससे आप हमेशा दूर रहें। तो इतना आप समझ लीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको गुणवत्तापूर्ण वीडियो मिलेगी। आप सोर्स के बारे में अगर जानना चाहें तो आप हमारे ब्लॉग पे जाके इसका सोर्स देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चीनी कंप्यूटर जो था वो ऑप्टिकल सर्किट जो मैसा जैसा कि मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया, अपनी गणना करता है जो लाइट का यूज करता है, नंबर एक। नंबर दो में जो गूगल का उपकरण है वो क्या यूज करता है, वो साइका मोड चिप यूज करता है। बस असल में ये जो साइका मोड चिप है ये लगभग जो पारंपरिक कंप्यूटर है उसी की जैसी दिखता है, अगर आप इसको देखेंगे तो वो उसी के तरह दिखेगा। उसी तरह अगर हम चले तो ये जो है अब जो गणना इन्होंने किया वो था डुसेन बोसोन सैंपलिंग। तो गॉसियन डुसोन सैंपलिंग या बोसोन सैंपलिंग इसको अगर हम कहें तो ये आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान ले हम लोग। तो ज्यूसांग का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं ने जीबीएस का प्रयोग किया और इसको ये कार्य सौंपा गया, जहां कंप्यूटर एक जटिल सर्किट था, इसमें जो होता है वो एक जटिल सर्किट के उत्पादन की गणना करता है और इसमें लाइट का उपयोग किया जाता है, फोटोन का, जो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है। इसी तरह उसमें आउटपुट की जो होता है उसको संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, ये भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है। और इस तरह से जो प्रकाश के कण होते हैं उसकी संख्या में उसको बोसोन कहा जाता है। इसीलिए अब आगे देखेंगे तो ये जो पाया गया जैसे ये फोटोन कितना वो डिटेक्ट करता है, तो संख्या के संदर्भ में जो सफलता उसका सक्सेस रेट जो होता है
तो जेजुन जो खुद को एक ऑप्टिकल सर्किट में था, और एक परीक्षण में जैसा कि मैंने बताया था 76 फोटोन किया था जो सबसे हाईएस्ट था, और एवरेज जो था 43 फोटोन का पता लगाया, और इस सब को करने में तकरीबन 200 जो है सो आपको 200 सेकंड लगे थे। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में 100 ट्रिलियन गुना अधिक तेज होगा, यानी जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटर है उसके तुलना में। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको हिंदी में करें तो ये तकरीबन हो जाएगा आपको 1000 ट्रिलियन गुना तेज। तो चलिए प्रत्येक प्रायोगिक रन के लिए जो उसको ये किया जा रहा था, संख्याओं की सूची को उत्पादित, इसकी गणना का समय लगभग जैसे कि मैंने बताया था 200 सेकंड था। जबकि सबसे तेज चीनी कंप्यूटर जो मैंने एनिमेशन में लगाया जिसका नाम था थाउ लाइट को यही परिणाम करने में अगर यही कैलकुलेशन वो ढाई लाख करेगा जो ये 200 सेकंड में किया, तो उसको ढाई अरब साल लगेंगे, तो उसको ढाई बिलियन वर्ष लगेंगे। तो यह सुझाव देता इसी के आधार पर किया गया कि जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है तो वो क्वांटम सुपर कंप्यूटर की तुलना में जीबीएस में 100 ट्रिलियन गुना कम है, अर्थात जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो 100 ट्रिलियन गुना ज्यादा है दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर से। तो ये था आपको दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर जिसको चीन ने बनाया है, और ये क्वांटम मैकेनिज्म की अभी ये दौर शुरू हुई है। जैसा कि मैंने बताया इसमें कुछ कमियां भी हैं और इस चैलेंजेस को दूर करने में, जैसा कि चीनी वैज्ञानिकों का कहना है, जैसा कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो ये सब ये आर्टिकल पढ़ने पर होता है, मेहनत करनी होती है। तो उस आर्टिकल में चाइनीज वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हम 15 से 20 साल के अंदर अंदर में प्रैक्टिकल जो हम आपके पास वैसा कंप्यूटर होगा उस तरह का क्वांटम कंप्यूटर वो डेवलप कर लेंगे, और जो मैंने बताया था इसकी कमियां थी उसको वो सॉर्ट आउट कर। तो चलिए ये था विश्व का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर। अब हम अगले सेक्शन में चलते हैं जो हमारा अगला सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो देखिए यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज्यूजान गूगल के क्वांटम सुपर कंप्यूटर से 10 अरब गुना तेज है, मतलब एक कथन एक। कथन दो, चीनी क्वांटम सुपर कंप्यूटर सुपर कंडक्टिंग सामग्री का उपयोग करके अपनी गणना करता है। कथन दो, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन उसमें सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक और ना। तो चलिए इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप अगर हमारे ब्लॉग पे आएंगे तो वहां भी आपको मिलेगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हम आपको जूम पे टेस्ट सीरीज भी होता है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर अबाउट पे देखेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सिर्फ देख लेते हैं और कुछ लोग देखते भी हैं तो सोचते हैं कि हो सकता है इतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ये तब आपको पता चलेगा जब सेम इसी तरह का, जैसे कि मैंने अभी ईलिसा पे बनाया, ई रसोटा पे बनाया है, पिछले साल मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया था ईलिसा के बारे में और पूछा, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इससे जो हमारा 45 वीडियो का सीरीज होगा इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और जब डायरेक्ट पूछे जाएंगे तब आप लोग को लगेगा कि हम तो फालतू के इधर उधर घूम रहे थे, सारा मटेरियल तो हमको यहाँ से मिल रहा था। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तभी आप मना होता, तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो हिमालय क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है क्योंकि हिमालय बाकी दुनिया की
तुलना में तेजी से कम हो रहा, बिल्कुल सही है। ये कई स्रोत से पता चला है, एरोसोल्स के बारे में ये सारी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया। पिछला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, उसको आप देखिए, उसमें आपको इसका मिल जाएगा डिटेल। दूसरा चीज जो है, पूर्व में यह देखा गया है कि पूर्वी हिमालय में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। ये पूर्वी नहीं है, ये पश्चिमी है, ये पश्चिमी हिमालय है, आप पूर्वी हिमालय नहीं है, तो दूसरा गलत है। उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आप देखिए, केवल एक, बिल्कुल ये एक सही है, केवल एक ही सही है, दूसरा तो सही नहीं है, तो दूसरा नहीं सही है, दोनों, ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है, मतलब ये भी गलत, तो दोनों भी नहीं होगा, ये भी गलत और नहीं ये नहीं, ये दोनों शब्द हो गया। तो इसका उत्तर आपका हो गया, इसका उत्तर हो गया। तो चलिए, ये था विश्व का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर ज़ूम 7। तो अगर आपको और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो मैंने बताया था कि आप जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर को पूरा करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में दें, ताकि आपको हम फ्री मैप क्लास, मैपिंग क्लास करवा सकें। और ये फ्री मैपिंग क्लास काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो आता ही आता है हर कंपटीशन में। आप यूपीएससी से लेके हर कंपटीशन में मैप से आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो मैप बहुत ही जरूरी है कोई भी जीके के लिए, कोई भी जीएस के लिए। तो अगर आप मैप क्लास करना चाहते हैं कोई एक्सपर्ट से, तो आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करें। और अगर आप 500 सब्सक्राइबर के अंदर आते हैं, और जो हमारा 500 सब्सक्राइबर होगा, तब ये मैं आपको बता दूंगा कि किस डेट को हमारा ये क्लास शुरू हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो आप भी इससे फायदा लें और ये फ्री का क्लास अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।